सो गाइस, सुबह का तो पता नहीं मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बीमार चल रही हूँ मैं। मतलब ये दिन मेरे बीमारी में ही गए हैं। बीमार इन द सेंस कि यार मेरे को कोल्ड ऐसा हो रखा, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बता दिया था। तो क्या ही व्लॉग जा रहे थे मेरे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने एप्पल एंड पपाया कट किया, फिर मैं हैंड वॉश करने गई और फिर यहाँ पे मैं खाने के लिए बैठ गई। और कोल्ड की वजह से शक्ल के तो मेरे 12 बजे ही हुए हैं, चाहे मैं खुद को कितना पैम्पर कर लूँ, बट मतलब होता है ना कि जो कोल्ड का इफ़ेक्ट है वो मेरे फेस पे अलग ही से ही दिख रहा था। मतलब मैं काफ़ी, शक्ल तो मतलब ऐसी हो गई है, बस क्या ही बताऊँ। जैसे सब मेरे को बोल रहे हैं अभी तू बीमार है बीमार है, मुरझाई हुई सी शक्ल हो गई है। बट कोई ना, टाइम लगेगा रिकवरी में, हो जाएगी रिकवरी। क्योंकि बीच में मैंने थोड़ा ध्यान रखना भी छोड़ दिया था खुद का, बट मैं अभी फिर से ध्यान रख रही हूँ, खुद की केयर कर रही हूँ। तो सेल्फ केयर इज़ मस्ट। हम जितना लापरवाह होते हैं हेल्थ उतनी ख़राब होती है। बीच में ये भी तो हो गया था ना, जैसे काजल के शूट वगैरह पे जा रही थी तो मैं मतलब ठीक से ना पानी पी पा रही थी, ना टाइम से खा पा रही थी। मतलब जब हम 1-2 हफ्ता गए ना, तो वहाँ से सारा काम ख़राब हुआ, तो मेरी हेल्थ ज़्यादा ही ख़राब होगी। मतलब तो मुझे केयर करने का मतलब टाइम ही नहीं लगा, और बाहर खा खा के फिर पूरी हेल्थ की ऐसी की तैसी होगी। सो फ्रूट्स खाने के बाद मेरा तो फ्रूट खाने का भी मन नहीं करता। मतलब बस मैं खा रही हूँ क्योंकि भाई हेल्थ भी तो ठीक करनी है ना, इसलिए। फिर फ्रूट खाने के बाद मैं चली गई थी छत पे, सारे प्लांट्स में मैंने डगिंग करी। एंड मैं सोच रही थी कि कुछ फ्लावर वगैरह, मेरे पास फ्लावर सीड्स पड़े थे तो मैंने सोचा कि एक एक लगा के देखती हूँ वो ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी तो मौसम ठीक है, तो क्योंकि जो मैंने पिछले प्लांट लगाए थे ना वो ज़्यादा सर्दी होने की वजह से सूख गए थे, तो फिर यहाँ पे मैंने करी गार्डनिंग। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया सारे प्लांट्स में, ताकि न्यू प्लांट्स ग्रो हो सके। फिर नीचे आने के बाद मैंने लगाया फेस पैक, और इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए लगा के रखा। उसके बाद मैंने वॉश कर लिया था। फिर मैं किचन में गई तो मैंने देखा ये हरी मिर्चियाँ हैं, तो मम्मी इनको बनाने के लिए मम्मी ने कढ़ाई रखी हुई थी, एंड ये यहाँ पे दाल उबल रही है, और यहाँ पे मम्मी इन मिर्चियों में मसाला भर रही थी। तो ये बहुत टेस्टी लगती हैं। मतलब जो ये हरी मिर्ची होती है ना, इनको बीच से कट करके, मतलब हम इनको 2 तरीके से बना सकते हैं, मसाला भर के भी और बिना मसाला भरे भी। तो और यहाँ पे दाल का छोंक तैयार हो रहा था, और फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, क्योंकि कोल्ड की मेडिसिन से तो कुछ आराम नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि ये ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं होम रेमेडी तो इसलिए यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि इतने टाइम से कोल्ड की वजह से थोड़ी गर्म चीज़ें खा खा के मेरे को लगा कि इन्फेक्शन ना बढ़ गया हो। और फिर मैंने पानी भी नहीं पिया था बिल्कुल भी कोल्ड की वजह से, बट फिर भी मैंने खा ही लिया। फिर उसके बाद मैंने किया लंच। लंच में थी दाल और रोटी। सो गाइस, मैं बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी, एंड यहाँ दूध उबल रहा है। और ये मैंने पानी गर्म किया अपने लिए, क्योंकि मेरे को कोविड है ना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खिचड़ी, एंड साइड में उबल रहा है दूध। तो पहले मैंने ऑनियंस कट किए, और
एक पटैटो कट किया एंड एक टमेटो कट किया तो ये कुछ ऐसे बन के तैयार हुई थी। तो फिर मैं यहाँ पे आराम से बैठ के इंजॉय करती हूँ गरम गरम, और यहाँ पे मम्मी कुछ बातें कर रही थी मेरे साथ। तो इसके बाद तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मेरा डिनर यही था, मैंने डिनर में यही खाया क्योंकि ये भी काफ़ी हैवी डिनर हो जाता है ये भी। तो फिर ये डिनर करने के बाद खा पी के मैं सो गई थी, और ये कोल्ड वाले दिन मेरे बहुत बुरे दिन गए हैं क्योंकि नाक से तो मुझे बिल्कुल सांस नहीं आता था, मुंह से ही सांस लेना पड़ता था, तो बहुत बुरे दिन गए हैं ये। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हेयर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, एंड नेगेटिव कमेंट से मेरे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो कोई मुझे कुछ भी बोलता है आई जस्ट इग्नोर, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम, हु आई एम, मैं जो भी हूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं।